काम कर दीजिए और हेल्थ एंड सैनिटेशन का विंग सारा यहाँ पे आया हुआ है। ये नाला चढ़ता है कि लो लाइंग एरिया है, नाले का और ये गली का बेड एक जैसा ही है, तो बड़ी प्रॉब्लम थी। लास्ट ईयर यहाँ पानी आया था, इसका टेंडर हो चुका है। विद इन वन मंथ हम इसको यू शेप, इसकी जो ड्रेन है उसको आगे लेके नाले तक छोड़ेंगे ताकि पानी बैक ना मारे। एक पिछली गली में भी दिक्कत है, उस ड्रेन को भी बंद कर रहे हैं ताकि वो पानी भी बैक नहीं मारे। ये पानी बैक आ रहा है उसके लिए ये सारा है। और सैनिटेशन का जो भी काम है, जहां कोई ड्रेन चौक ही है या किसी ने चौक ही है, उसको एक आध दिन में आजकल में खिलवा देंगे और जो जितनी भी सफाई है वो करवाएंगे। इसी तरह और भी कई जगह प्रॉब्लम आ रही है, धीरे धीरे करके सारे शहर को किस तरह साफ सुथरा हो सकता है, बढ़िया हो सकता है, उसको करने का प्रयास कर रहे हैं। बहुत से नाले शहर में बन गए हैं, अमृत के तहत लगभग 200 करोड़ के बन रहे हैं। और भी पैसा इस साल हमने सरकार से मांगा 500 करोड़ का, और भी पैसा आएगा। जो नाले कच्चे रह गए हैं या जो पुराने नाले हैं उनको और स्ट्रेंथन करना है, उनकी दीवारें ऊंची करनी है या कोई कलवट ग्राउंड है उसको ऊंचा करना है, सारा हमारे पास उसका एस्टिमेट वगैरह बन चुका है। जैसे ही फंडिंग आएगी, एलजी साहब से भी हमने मांगा है, सेंटर से भी, हम अमृत की सेकंड में भी मुझे लगता है पैसा आएगा, तो इन सब चीजों को ठीक करेंगे। अपनी जनता को, जिन लोगों ने हमें चुनकर यहां बैठाया हुआ है, भेजा हुआ है कॉरपोरेशन में, उनकी अपेक्षा पे पूरे उतरे, उनको किसी किस्म की प्रॉब्लम ना आए। जब रात को जब बारिश आई थी, मैं उस वक्त भी फील्ड में ही था रूपनगर की तरफ, तो ये खुद देखा कितना कितना पानी है। इसको धीरे धीरे करके सारे सिस्टम को ठीक कर रहे हैं, आने वाले समय में और भी जो जम्मू वासियों को राहत दे सकते होंगे पूरा प्रयास करेंगे। किसी घर पानी ना जाए, किसी को परेशानी ना हो, उसकी तरफ जम्मू म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन और हम 75 के 75 कॉरपोरेटर और हमारा पूरा स्टाफ विशेष लेके ऊपर कमिश्नर तक सब कार्यरत है और अच्छा जम्मू बनाने की तरफ हम लोग चाहते हैं।